नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आज, मैं हूँ राशि। डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों के बीच डेंगू तेजी से अपने पैर पसार रहा है। मामला मुरैना का है, जहां डेंगू की बीमारी ने एक घर के चिराग को बुझा दिया। बीमारी के चपेट में आने से तनु नाम की 17 साल की किशोरी की मौत हो गई, जबकि उसके भाई का दिल्ली में इलाज जारी है। परिजनों का आरोप है कि स्थानीय डॉक्टर डेंगू को डिटेक्ट नहीं कर पाया, जिसके चलते उनके बेटे की मौत हुई है। दोनों बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें ग्वालियर ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जाँच के बाद दोनों को डेंगू होने की पुष्टि की। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी और ज्यादा हालत खराब होने की वजह से तनु ने दम तोड़ दिया। दोनों ही भाई बहनों को बुखार था, पिछले 3 दिन से बराबर ट्रीटमेंट ले रहे थे। डॉक्टर लगातार हमें दिलासा दे रहे थे कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, कोई घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर ने यहाँ तक कहा कि उसे डेंगू का केस नहीं लगता, जबकि हम लोग लगातार उनसे संपर्क बनाए थे, लेकिन डॉक्टर ने ऐसी कोई भी आशंका नहीं जताई। और अचानक कल रात को उसकी सीरियस स्थिति बनी और सुबह जब हम ग्वालियर में बच्ची ने दम तोड़ दिया। उसका छोटा भाई जो है वो इस समय दिल्ली एडमिट कर दिया गया है और वहाँ उसका इलाज शुरू है। यदि इस प्रकार का कोई आरोप है तो इसकी जो जांच है वो मेडिकल स्पेशलिस्ट ही कर सकते हैं, और क्योंकि डेंगू के संबंध में जो भी जांच इत्यादि की आवश्यकता है वो और जाँच की जो सुविधाएँ हैं वो अस्पताल में उपलब्ध है, इसलिए डायग्नोसिस नहीं कर पाने की संभावना कम ही है। मुरैना से गजेंद्र सिंह तोमर, न्यूज आज। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज आज के साथ।